हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बबूल के छाल के बारे में देखेंगे। बबूल का जो पेड़ होता है वो बहुत ही नेचुरल पेड़ है जो हमारी बहुत सारी समस्याओं को दूर करने में हेल्प करता है। बबूल का छाल आयुर्वेदिक फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेदिक से रिलेटेड जो भी हम यूज़ करते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, हमारे स्किन के लिए बेनिफिट होता है। तो आज हम देखेंगे बबूल के छाल का हमारी स्किन के लिए क्या क्या बेनिफिट है, कैसे वो हमारे स्किन को ठीक करता है और स्किन से रिलेटेड, हमारी त्वचा से रिलेटेड जो भी समस्या है उसको कैसे पूरी तरीके से रिकवर करने में हेल्प करता है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। बबूल के छाल का पहला काम है कि वो सबसे ज़्यादा हमारा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है। बबूल के छाल में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, मतलब बबूल की छाल को अगर हम किसी भी स्किन के कंडीशन में लगाते हैं, जैसे कि हमारा स्किन में कहीं पे इन्फ्लामेशन हो रहा है या तो हमारे स्किन में कहीं पे माइक्रोबियल या फिर फंगस इन्फेक्शन हो गया है, मतलब कीटाणु या जीवाणु हमारे स्किन में घुस गए हैं और वो स्किन को खराब कर रहे हैं या डैमेज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बबूल की छाल को हमको पेस्ट करके लगा सकते हैं, जिससे हमारा जो स्किन जब खराब हुआ है, जहाँ पे हमारा त्वचा खराब है, वो ठीक हो सकता है। दूसरा प्रॉपर्टी है इसका, ये एंटी इंफ्लामेटरी काम करता है। एंटी इंफ्लामेटरी मतलब आपके शरीर में कहीं पर भी सूजन हुआ है, शरीर के त्वचा में कहीं पर भी सूजन हुआ है, इन्फेक्शन दिख रहा है, तो वो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपके स्किन में, आपके जो चेहरे में बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, एक्जिमा होता है या अलग अलग प्रकार की स्किन से प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन को भी ठीक करने में हेल्प करता है। और आपका जो कोशिकाएं स्किन की डैमेज हो गई है उसको रिकवर, उसको प्रॉपर तरीके से ठीक करने में मदद करता है। तीसरा काम है, बबूल के छाल को अगर हम वुंड हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। वुंड हीलिंग मतलब होता है घाव को भराने के लिए। हमारे स्किन में, हमारे त्वचा में बहुत ऐसे सारे घाव हो जाते हैं जो बहुत लंबे समय के लिए दाग छोड़ देते हैं या तो वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं होते हैं, तो वुंड को भी हील करने में, जो घाव है उसको भी प्रमोट करने में, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपको कहीं बस कट हो गया है, आप कहीं पे गिर गए हो, आपको चोट लग गई है, खरोच आ गई है, उस पर भी हम अगर बबूल के छाल का पेस्ट लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर लेता है। तीसरा है, स्किन को ब्राइटनिंग करने का, मतलब आपके स्किन को गोरा करने के लिए भी बबूल की छाल आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि स्किन का जो कई प्रकार से डैमेज हो जाता है, मतलब आप बाहर घूम रहे हैं, धूप की किरणों में आ रहे हैं, तो स्किन का डैमेज हो जाना संभव है, तो उस कंडीशन में भी आप स्किन को ब्राइटनिंग, स्किन को गोरा करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। बबूल आपका, बबूल के छाल को आपका पेस्ट बना करके चेहरे पर लगाना है या जहाँ पर भी आपका खरोच आई है या स्किन काला पड़ गया है उसको भी आप उसको लगा के ठीक कर सकते हो। उसके बाद है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग मतलब आपकी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। जैसे कि आपकी स्किन में नमी नहीं है, आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप उसको स्किन को नॉर्मल स्किन कंडीशन में ला सकते हैं बबूल का छाल को पेस्ट बना करके यूज़ करके। आपकी स्किन को स्मूदनिंग करेगा, आपका जो फेस है स्पेशली अगर उस पर भी लगाएंगे तो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग करेगा और मॉइस्चर रखेगा, नमी रखेगा, जिससे आपका स्किन एक्सेसिव ग्लो करेगा। उसके बाद है, ये एंटी एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज भी काम करता है। एंटी एस्ट्रोजन मतलब होता है कि कई लोगों का चेहरा आपने देखा होगा, चेहरों में बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़ गए हैं या तो चेहरे में बहुत ज़्यादा पोर्स, छोटे 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 छेद पड़ गए हैं चेहरे पे, तो उससे चेहरा बहुत ज़्यादा खराब दिखता है और वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं। तो उस केस में आप बबूल के छाल का जो पेस्ट बना करके लगाएंगे तो जो गड्ढे और धब्बे पड़े हैं चेहरे पे वो भर जाएंगे और वो स्किन ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है, ये एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। बबूल का जो छाल है अगर उसका पेस्ट को हम लगाते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट काम करता है आपके त्वचा पे। जैसे कि हमारी जो त्वचा, जैसे जैसे हम एज होते जाता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी जो त्वचा है वो फ्री रेडिकल रिलीज करना स्टार्ट करता है हमारे शरीर पे। हमारा शरीर जब फ्री रेडिकल रिलीज करेगा, जिससे क्या होता है कि आप एजिंग, आपका चेहरे पे उम्र दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो उम्र दिखना स्टार्ट हो जाता है उसको भी ये कम करता है। क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज है एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन को डिक्रीज करके जो फ्री रेडिकल बॉडी में रिलीज होता है उसको कम करता है, जिसकी वजह से आप ओवर एज के नहीं दिखेंगे। तो इसको हम इस तरीके से चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है, स्किन को डिटॉक्सिफिकेशन करने में भी काम करता है। ये स्किन को डिटॉक्सिफिकेशन करने में इस प्रकार काम करेगा कि स्किन में आपके चेहरे पे जितनी भी गंदगी जमी होती है, अंदर स्किन के अंदर में भरा रहता है, उसको वो क्लियर करता है। चेहरे को पूरा कॉम्प्लेक्शन, मतलब चेहरे पे आपका कॉम्प्लेक्शन दिखेगा, आपका ब्राइटनिंग, आपका ग्लोइंग जो है वो चेहरे पे आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्किन को डिटॉक्सिफिकेशन करता है।
है। उसके बाद है स्किन की कंडीशन को ठीक करता है। बहुत सारे लोगों को सोरियासिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस नाम की बीमारियां होती है जो स्किन में पूरा फैल जाता है, चेहरे पे फैल जाता है और पूरे बॉडी में भी फैल जाता है। ऐसी सीवियर और बहुत ज़्यादा गंभीर कंडीशन को भी ठीक करने में ये हेल्प करता है। स्किन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसको क्लियर करने में हेल्प करता है बबूल की छाल। उसके बाद है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन मतलब होता है आपकी जो स्किन है, स्किन के अंदर जो डेड सेल है, मरे हुए सेल्स है, क्योंकि जो कोशिकाएं होती है वो अपना हर दिन में अपना सेल कुछ दिनों में अपना सेल को चेंज करती है, वो डेथ हो जाएंगे तो नया सेल को रिलीज करती है। तो उस कंडीशन में आपके जो मरे हुए सेल है, डेड सेल है, उसको आपके स्किन से हटाने में काम करता है और नया सेल आपके स्किन को ग्लो करने के लिए, कॉम्प्लेक्शन लाने के लिए नया सेल बनाने में भी हेल्प करता है। उसके बाद है रिड्यूसिंग पोर साइज। मतलब होता है जिन लोगों का स्किन में छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, छिद्र बोलते हैं उसको, तो जिन लोगों के चेहरे पे छिद्र हो जाते हैं, बहुत गंदा दिखने लग जाता है चेहरा, तो उस केस में भी उन छिद्रों को भरने के लिए और स्किन को लेवल में लाने के लिए हेल्प करता है बबूल की छाल। तो आपको उस तरीके से यूज करना है, उसका पेस्ट बना करके चेहरे पे लगाना है। उसके बाद है ब्लड सर्कुलेशन के लिए इम्प्रूव करता है। मतलब ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, अगर ये रिड्यूस हो जाता है तो हमारे जो सेल है वो डैमेज हो जाती है, हमारा त्वचा खराब हो जाता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो हमारी जो त्वचा है उसमें ब्लड सर्कुलेशन लाना भी जरूरी है। तो जब आप बबूल की छाल को अपनी त्वचा में लगाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा से इम्प्रूव होगा कि आपका चेहरे पे खुद कॉम्प्लेक्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है हीलिंग सन डैमेज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जा करके खुले चेहरे पे घूमते हैं, क्योंकि हमेशा अगर बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने चेहरे को मास्क से या तो फिर आप या कुछ ऐसा फेस कवर करके जाएं जिससे आपका फेस में बाहर की जो रेडिकल्स है वो ना पड़े, क्योंकि जो सन है, सन की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं, उनमें बहुत सारे यूवी रेस निकलता है। ये जो यूवी रेस होता है वो हमारे स्किन को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, रिड्यूस कर देता है स्किन का कॉम्प्लेक्शन और डार्क बना देता है। तो उस डार्क स्किन को रिमूव करने के लिए और ग्लोइंग स्किन को इम्प्रूव करने के लिए ये बबूल का छाल काम आता है, जिसको आप पेस्ट बना करके चेहरे पे लगाएंगे। उसके बाद है और भी काम आता है, जैसे कि आप इसको नेचुरल फेस पैक में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग बहुत सारे फेस पैक घर पे बनाते हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, दही हो गया, इसका फेस पैक बना करके यूज करते हैं। वैसे आप नेचुरल बबूल की छाल का भी फेस पैक बना करके यूज कर सकते हैं, जो आपकी नेचुरल स्किन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा और ग्लोइंग स्किन दिखाएगा। और भी काम है, जैसे कि आपका ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ड्राई स्किन भी होता है और जिनको ऑयली स्किन भी होता है। ऑयली स्किन वालों को हमेशा पिंपल, एक्जिमा, ऐसे सारे प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। तो जिन लोगों का ऑयली स्किन है उसको रिड्यूस करने में, ऑयल का प्रोडक्शन को डिक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारे स्किन में जितना ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होगा हमारा स्किन उतना ही डैमेज होगा और बहुत ज़्यादा उसमें पिंपल्स और एक्जिमा जैसे कंडीशन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से बबूल की छाल को अगर आप चेहरे पे फेस पैक के फॉर्म में लगाते हैं या किसी भी फॉर्म में आप उसके पाउडर को यूज़ करते हैं, उसके तेल को यूज करते हैं या उसको ओरिजिनल उसका पेस्ट बना करके यूज करते हैं, एनी फॉर्म में आपका बबूल का छाल बहुत अच्छा काम करेगा, आपकी स्किन के ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। थैंक यू सो मच।